संबल जनपद के विकासखंड राजपुरा तहसील गुन्नौर में एक विद्यालय ऐसा है जहां पर स्कूल को बंद कर स्कूल परिसर में पशु खरीद फरोख्त का काम किया जाता है, जिससे गरीब मासूम बच्चों की जिंदगी से टीचर और जिले के आला अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इस पशु बाजार से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देता? क्या इसके बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है तो विद्यालय परिसर में पशुओं की खरीद फरोख्त का कार्य क्यों चलता है? ये एक संगीन मामला है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी विद्यालयों को मॉडर्न और सुंदर बनाने में लगी हुई है, बावजूद इसके अध्यापक और अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या इसी तरीके से गरीब बच्चों के साथ ऐसा मजाक होता रहेगा? क्या ये बच्चे इस तरह पढ़ पाएंगे? उसमें आज पशु बाजार लगी हुई है, तो ये क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जाएगी दोस्तों? खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इसकी जाँच कराई जाएगी, अगर ये सत्य पाई जाती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ मुखिया पर बैठते हैं और आपके खंड शिक्षा अधिकारियों का वो रास्ता आम है, 4 किलोमीटर की दूरी पर उनका विकासखंड कार्यालय है, तो क्या उनके संज्ञान में नहीं है ये मामला? उनसे बात करने के पश्चात ही पता चलेगा कि विद्यालय प्रबंध समिति के प्रस्ताव के थ्रू है कि SMC विद्यालय प्रबंधन समिति अगर की है, लेकिन विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या विद्यालय समिति ये प्रस्ताव पास कर सकती है अपनी मीटिंग में कि विद्यालय कैंपस में जानवरों को खरीद फरोख्त की जाए? विद्यालय विकास के लिए कोई चीज़ें गतिविधियों कराने के लिए वो प्रस्ताव पास करके सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर सकती है। अच्छा, पशु बाजार का भी विद्यालय कैंपस में लगवाने के लिए? ये अगर पूर्व से चल रहा है तो इसके बारे में पता किया जाएगा कैसा है।